जिलाधिकारी केविजन पांडे ने बुधवार को चौरी चौरा तहसील के डुमरी खुर्द गांव में स्वर्गीय सुनील की पत्नी पूनम को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी चौरी चौरा को निर्देशित किया कि परिवार के नाम से पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जाए तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन एवं मृतक की पत्नी पूनम को नौकरी एवं विधवा पेंशन देने के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा मृतक के बच्चों का नामांकन भी विद्यालय में कराया जाए। गौरतलब है कि विगत दिनों दिल्ली में चिकन पॉक्स की बीमारी से चौरी चौरा तहसील के डुमरी खुर्द गांव के सुनील की मृत्यु हो गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी केविजन पांडेन को पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया था, जिसके तहत बुधवार को DM और SSP ने उनके आवास पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को पहुंचाया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा अर्पित गुप्ता, क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दूसरा लड़का क्या करता है काम? दूसरा लड़का बता रहे थे कि माता जी उनके लिए हमें मार दिए मार बाद जो माता जी कब कवर मिली है माता जी माता जी ये दिल्ली कब गया है? कब से कहा दिल्ली खिचड़ी से 10 दिन बाद गया जनवरी में वहीं काम करता था वहीं काम करता था भीषण साल से वहीं रहता था। क्या कोई परेशानी थी पहले ही उनका? परेशानी यही सब बता रहे थे कि माता जी निकले थे तो माता जी निकलने के लिए कब कवर मिली है माता जी तो माता जी निकलने यहाँ कभी आया था वो उस समय बीमार रहे थे बीमार है। उनके परिवार में कितने लोग थे? यही बच्चे थे यही बच्चे हैं चार बेटियाँ एक बेटा। आप पढ़ी लिखे हैं क्या? आप कितने अच्छे पढ़ी नहीं है तो बच्चियाँ कहाँ पढ़ती है? भूल जाती है ये जो मकानिक बनाने के लिए जगह है आपके पास? ये आपके ही है ये सोचा नहीं आपकी ये भी आप कंपनी इनकी माँ है ये पूरा जमीन आपके ही अरे ये तो पुराना है इसी जमाने के रखियो मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया कल तो आपका है ना मुख्यमंत्री जी का बताया मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया कल तो आपका है ना मुख्यमंत्री जी को बताया मुख्यमंत्री जी भी काफी वो चिंतित थे आपका बताए थे वो उस समय में तो आ नहीं पाते थे उसलिए तो लखनऊ में है वो